हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घर में मौजूद चीजों से पेडिक्योर करेंगे। सबसे पहले अगर पैर में हमारे नेल पेंट लगी हो तो उसे हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव हो गया है। पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले हम एक टब में या बकेट आपके पास जो, उसमें हम गर्म पानी लेंगे। उसके बाद हम उसमें शैम्पू डालेंगे, शैम्पू कोई सा भी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप रोज वाटर का डालेंगे। नमक डालेंगे, 2 चम्मच नमक है। आप वो ब्लीच में जो एक्टिवेटर आता है वो भी हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद हम ये नींबू का रस डालेंगे। फिर इस नींबू के छिलके को हम इसी टब में डाल देंगे क्योंकि इसे हम रब करने में यूज करेंगे। इसके बाद हम इसका पैर में डालेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद अपने हाथों से इसे हम रब करते रहेंगे। पानी पैरों के सहने लायक ही रखेंगे। ये देखिए, समस्या से थोड़ा सा रब करेंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाए पैर पानी में रखे हुए, उसके बाद हम इसमें स्क्रब से थोड़ा, ये देखिए स्क्रब लेके इसमें मसाज करें। स्क्रब आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अपने पैरों की हम मसाज करेंगे स्क्रब से। इसी तरह दूसरे पैर की भी हम कर लेंगे। हम हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे अपने पैरों की। अगर स्क्रब अवेलेबल नहीं हो आपके पास तो आप चावल को पीस के उसका आटा बना के उससे भी आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग कर सकते हैं। उसमें हनी या पानी अगर हो तो आप डाल सकते हैं। स्क्रबिंग के बाद हम तुरंत से फिर पैर को गुनगुने पानी में डाल देंगे और ये नींबू का जो छिलका था उससे हम पैर को ऐसे रब करते रहेंगे। करते हुए हम उंगलियों की भी सफाई कर लेंगे, हील्स की सफाई करेंगे। हील्स की सफाई के लिए मैंने यह स्क्रबर लिया है। क्योंकि मेरी पुबिक स्टोन खो गई है तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो अभी हम खरीद नहीं पाए हैं, इसीलिए यह स्क्रबर हम यूज करेंगे। ये देखिए अभी हो गई। अब हम वापस से पैर हॉट वाटर में डालेंगे। अगर पानी थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैंने यहाँ पहले से थोड़ी सी बचा के पानी रखी हुई थी वो डाल दिया था मैंने। आप भी ऐसे कर सकते। फिर पैर पानी में रखने के बाद वापस से ये मैंने थोड़ा सा हनी लिया है। आप कोई भी मसाज क्रीम हो आपके पास, कोई कोल्ड क्रीम हो वो भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उससे आपने फिर पैरों की थोड़ी सी मसाज करेंगे। पैरों की हम मसाज अच्छे से करेंगे। ये देखिए सेम प्रोसेस से हम पेडिक्योर के प्रोसेस में मीन्स कि हम मैनिक्योर भी करेंगे। तो आप ऐसे ही अपने हाथों की भी सेम प्रोसेस से सफाई कर सकते हैं। मसाज करने के बाद हम वापस से पैर को पानी में डाल देंगे। फिर से हम इसे, ये देखिए ऐसे से रब कर लेंगे अच्छे से। फिर हम अपने पैर वापस से निकाल लेंगे। अब हम अपने नेल्स की सफाई करेंगे। नेल्स के ये देखिए ये बीचों बीच हमारी गंदगी जमी रहती है, इसकी हम सफाई करेंगे। ये देखिए मैंने ये पेडिक्योर किट से ये लिया था। आप इस तरह का कुछ भी हो आपके पास उससे आप इसकी नेल कटर के पीछे में भी रहती है, उससे आप ऐसे ऐसे करके इसकी सफाई कर सकते हैं। ये देखिए सारे हम गंदगी निकाल लेंगे। नेल्स की सफाई के बाद वापस से पैर को गर्म पानी में डालेंगे और हम फिर इसके बाद 1 मिनट के लिए इसे रखेंगे। उसके बाद हम इसे अपने पैरों को फिर निकाल देंगे। 1 मिनट बाद अपने पैरों को निकाल के टॉवल से के बाद अगर आपके नेल्स बड़े हो तो और आपके नेल्स शेप में ना हो तो आप फाइलर से उसे शेप दे देंगे। फिर आप उसके बाद नेल पेंट करेंगे। ये देखिए पेडिक्योर हमारा हो गया अच्छे से, ये सूख गया। अब इसमें आप कोई सा भी क्रीम लगा लीजिए, आप कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर हो या जो भी आपके पास बॉडी लोशन हो कोई, वो आप लगा सकते हैं। मैंने ये लैक्टोकैलामाइन यूज किया पैरों में। इसे हम अपने पैरों में अच्छे से लगा लेंगे। लगा लिया मैंने। अब हम अपने पैरों में नेल पेंट लगाएंगे। अब हम नेल पेंट कर लेंगे, जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप लगाइए। पेडिक्योर हमारा हो गया है। आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं घर में, पार्लर में जाके हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और आप इसी तरह आप अपने हाथों की भी कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं। जैसे जब जब आप जैसे जैसे आप ये पैर की कर उसी साथ आप कर सकते हैं हाथों की। इसीलिए हाथ के लिए आपको अलग से टाइम देने की भी जरूरत नहीं है।
तो इसी तरह आप मैनिक्योर और पेडिक्योर आपकी